तो आज हम बनाने वाले 15,000 का गेमिंग पीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गेमिंग पीसी आपको GTA 5 जैसे ट्रिपल ए टाइटल्स में भी अच्छे खासे FPS दे देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रोसेसर के लिए हमने चूज़ किया इंटेल का Core 2 Quad प्रोसेसर। ये प्रोसेसर जो है 10 साल पुराना होने के बावजूद भी ये आज की गेम्स को हैंडल कर सकता है, जैसे कि GTA 5 और PUBG मोबाइल जैसे गेम्स को भी ये हैंडल कर सकता है। इस प्रोसेसर को आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं 3 GHz तक। तो इसके अंदर आप गेम्स भी खेल सकते हैं बहुत ही अच्छे से। इसकी रेटिंग्स भी बहुत ही अच्छी है। इस प्रोसेसर को बहुत लोग पसंद करते हैं। जो लोग बहुत ही टाइट बजट में है, ये प्रोसेसर सिर्फ उन्हीं के लिए है। मदरबोर्ड के लिए हमने चूज़ किया है जेब्रोनिक्स का G41 सॉकेट LGA775 मदरबोर्ड। Q600 के साथ ये मदरबोर्ड बहुत ही अच्छे से कंपैटिबल है। इस मदरबोर्ड के अंदर आप Q600 को ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं 3 GHz तक। आप इस मदरबोर्ड के साथ 8 GB RAM OVDDR3 की ये सपोर्ट कर देता है, तो इसके अंदर आप अच्छे से गेमिंग कर सकते हैं। इसकी रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी क्वालिटी के साथ। इस मदरबोर्ड की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इसके अंदर आपको 3 SATA पोर्ट्स मिल जाएंगे। इसका मतलब आप इसके अंदर 2 हार्ड ड्राइव और 1 SSD भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। इसके अंदर आप ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए भी पोर्ट दिया गया है आपको। CPU कूलर के लिए हमने चूज़ किया जेब्रोनिक्स का CPU कूलर। ये कूलर LGA775 को मदरबोर्ड को ही सपोर्ट करता है। ये कूलर 95 mm के फैंस के साथ आ जाता है। एयर फ्लो भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर हीट डिसिपेशन भी बहुत बढ़िया है। ये कूलर आपके CPU को बहुत ही अच्छे से ठंडा रखने में मदद करेगा। ये कूलर कुछ ऐसी पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा तो कि बहुत ही अच्छी है, जेब्रोनिक्स की तरफ से है, तो इसकी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। ये 188 रुपीज़ की लो बजट प्राइस में आपको मिल जाएगा। हार्ड ड्राइव के लिए हमने चूज़ किया सीगेट की साटा इंटरनल डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव। हमें 1499 में 500 GB की हार्ड ड्राइव मिली है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफलाइन स्टोर से ही खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन प्राइस बहुत ही खतरनाक चल रहे हैं। रैम के लिए हमने चूज़ की है 4 GB DDR3 की रैम। अक्सर गेमिंग के लिए 8 GB RAM चाहिए होती है, पर हम टाइट बजट के अंदर होने की वजह से हम 4 GB RAM लेंगे। 4 GB RAM के साथ भी आप गेम्स खेल सकते हैं आसानी से। इसकी रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। ग्राफिक कार्ड के लिए हमने चूज़ किया आसूस का GTX 710 2 GB DDR5। ये ग्राफिक कार्ड बहुत ही बढ़िया है। मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ। ये आपको GTA 5 जैसे गेम्स में आसानी से 40+ FPS दे देगा। ये ग्राफिक कार्ड 7,405 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको अमेजोन पर। ये पर ऑफलाइन स्टोर में मुझे ये 4,000 रुपीज़ का मिला था। इसलिए आप इसे ऑफलाइन ही बाय कीजिएगा, इससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। इसलिए हमने चूज़ की है जेब्रोनिक्स की 400 वाट की पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई आपको 824 रुपीज़ की प्राइस में मिल जाएगी। आप कहेंगे कि 300 रुपये में भी तो पावर सप्लाई आती है। 300 रुपये वाली पावर सप्लाई की क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है। मैं ब्रांड के नाम नहीं बताऊंगा, पर उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है। ये जो सर्कल की पावर सप्लाई है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ आ जाती है। 120 mm की फैन इसके आपको मिल जाएगी। इसके रिव्यूज़ में आपको एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं मिलेगा। आप 300 रुपये वाली जो पावर सप्लाई, उसके रिव्यूज़ देखिएगा, एक से एक बदतर रिव्यूज़ होती है। हर कोई इसे 2 स्टार या 1 स्टार देता है। ये पावर सप्लाई बहुत ही बढ़िया है, मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ। ये कैबिनेट के लिए हमने चूज़ किया है चिप्ट्रॉनिक्स का X310B मिड टावर गेमिंग कैबिनेट। ATX केस है ये। ये जो केस है 1999 रुपीज़ में मिल जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि बजट बिल्ड में एक इतना हाई एंड कैबिनेट क्यों, क्योंकि कुछ लोगों को परफॉर्मेंस से ज़्यादा लुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसलिए हमने ये खूबसूरत सा कैबिनेट चूज़ किया है। इसके अंदर आप मिनी ATX से लेकर फुल साइज ATX के बोर्ड भी इसके अंदर बैठ जाएंगे। मुझे इसके कंपटीटर से ज़्यादा यही पसंद है, क्योंकि ये दिखने में बहुत अच्छा है और इसकी प्राइस भी उनसे बहुत ही कम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉर्सेर या और बाकी के ब्रांड से ज़्यादा इसी की प्राइस कम है और ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। यहाँ से एयर इनटेक होगी और फ्रेश एयर कैबिनेट के अंदर जाएगी। इस कैबिनेट के अंदर बहुत सारे की केबल मैनेजमेंट के लिए जगह दी गई है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैन लगाने की जगह है और इसके अंदर बड़े से बड़ा ग्राफिक कार्ड भी बैठ जाएगा। इस कैबिनेट के अंदर पावर सप्लाई ऊपर की तरफ लगती है, नीचे की तरफ की बजाय।
इस कैबिनेट की सामने की साइड पियानो ब्लैक प्लास्टिक की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।